العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ما ذكر في الشرب من أبي نفسين. اس سے پہلے کا عنوان تھا باب ما جاء فی التنفس فی الإناء. اور اس کے بعد کا عنوان ہے باب ما جاء فی کراہیت النفخ فی الشراب. اور اس کے بعد ہے باب ما جاء فی کراہیت التنفس فی الإناء. ایک نظر آپ اسکرین پر بھی صرف بابوں کو دیکھ لیجئے. یہ ہے باب ما جاء فی التنفس فی الإناء. یہ سبق آپ کا ہو چکا ہے. اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں باب ما جاء فی الشرب بنفسین، یہ آج کا سبق ہے. اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھیے اسکرین پر باب نمبر 15، باب ما جاء فی کراہیت النفخ فی الشراب. اور اس کے نیچے ہے باب ما جاء فی کراہیت التنفس فی الإناء. یہ چار ابواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اصل میں ان چاروں ابواب کا محور ایک ہی مضمون ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پانی پینے کا حکم دیا گیا کہ تین سانس میں پیا جاوے، تو تین سانس میں پانی پینا کیسا ہے، کس درجے کا حکم ہے. دوسری بات، تین سانس میں پینا ہے تو سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے الگ کرنا ضروری ہے یا برتن میں سانس لی جا سکتی ہے. نمبر تین، تین سے کم مرتبہ میں پانی پورا کرنا کیسا ہے، مثلا دو سانس میں پینا، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ بات بھی نکلے گی کہ ایک سانس میں پینا. پچھلا باب جس کا سبق پورا ہو چکا، وہاں تقریباً ان تمام مضامین پر گفتگو ہو چکی، صرف تطبیق احادیث کے ساتھ باقی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسنون اور افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ پانی تین مرتبہ میں تین سانس میں پیا جاوے، اور اس طرح پیا جائے کہ ہر مرتبہ منہ کو برتن سے الگ کیا جائے، برتن کو منہ سے جدا کیا جائے، اور جب ابتدا کرے تو بسم اللہ پڑھے، اور پانی کا گھونٹ جب پورا ہو سانس لے تو اس وقت کہے الحمدللہ. البتہ اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ حاکم نے
ऐसी भी रिवायतें नकल की हैं जिससे एक मर्तबा यानी एक सांस में पीना भी मनकूल होता है, एक सांस में पीने की इजाज़त मफहूम होती है। और इसी तरीके से यहाँ जो बाब इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कायम फरमा रहे हैं, इससे भी पूरे पानी को दो सांस में पीने का जवाज मुस्तफाद होता है। बाबू माजू के रफ़ी शुरब बे नफसैन। और अगली बात ये हुई थी कि बर्तन में सांस लेना अगरचे जायज़ है, बेहतर नहीं है, मकरूह है, मकरूह तबई होने की वजह से वो मकरूह शरई भी है, इसलिए कि पानी में जब सांस लेंगे पानी में घिन पैदा होगा, उस पानी को लोग पसंद नहीं करेंगे, तो उतना पानी बिला वजह ख़राब होगा या दूसरों की तकलीफ़ का बाइस होगा। अगर दूसरे को वही पानी पीना ही पड़ जाए तो एक तकलीफ़ के साथ वो इसको इस्तेमाल करेगा, नागवारी की तकलीफ़ उसको होगी। और अलमुसलिम मन सलिम अलमुसलिमून मिन लिसानिही व यदी जैसी अहादीस से ये मालूम होता है कि इस्लाम में किसी की तकलीफ़ गवारा नहीं की गई, किसी भी दर्जा पसीने की बास ख़त्म करने के लिए जुमा का गुसल रखा गया, खुशबू का इस्तेमाल रखा गया, हर ऐसे मजमे पर ईदैन का मजमा हो जुमा का मजमा हो, ये पता चला कि जो तबई घिन और तकलीफ़ की चीज़ें हैं उसके पीछे अम्र शरई भी पोशीदा है। इसलिए पानी के बर्तन में सांस लेना मुनासिब नहीं है। आज की रिवायत ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा शरिब यतनफ्फसु मर्रतैन। इसमें दो मर्तबा का जिक्र है और पीछे तीन मर्तबा का जिक्र है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये जवाज़ को बताने के लिए था दो मर्तबा का पीना और तीन मर्तबा आपका मामूल मुबारक था। और ये भी हो सकता है कि आपने दो मर्तबा सांस इस तरह लिया हो कि देखने वाले को एक ही मर्तबा समझ आया है, वहीं तो वहीं तौर की बर्तन मुंह से बहुत ज़्यादा अलग न किया हो। जो भी तावील मुनासिब हो इन दोनों तावीलों में से की जा सकती है। आगे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सनद पर और सनद के रिजाल पर कुछ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कहते हैं यह हदीस गरीब है, हमें इसकी एक ही सनद मालूम है, वो है रिश्दीन इब्ने कुरैब की सनद। फिर आगे एक बात कहते हैं वसअल तो अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अन रिश्दीन इब्न कुरैब कुल तो हुआ अक्वा अम मोहम्मद इब्न कुरैब قال ما أقربهما ورشدين بن قريب أرجحهما عندي وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال محمد بن قريب أرجح من رشدين بن قريب والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن رشدين بن قريب أرجح وأكبر وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير। इमाम तिर्मिज़ी की इस तालीक़ का और इस इबारत का
हासिल इतना है कि दो इब्ने कुरैब यहाँ हैं, दोनों में किसका क्या दर्जा है, कौन किस दर्जे का है, कौन अक्वा है अर्जा है और कौन उसके मुकाबले में कम दर्जा है, सिर्फ ये बात यहाँ बतानी मकसूद है। फरमाते हैं कि मैंने, इमाम तिर्मिज़ी फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान से। बात असल ये है कि ये दोनों भाई, एक इब्ने कुरैब रिश्दीन इब्ने कुरैब हैं और एक इब्ने कुरैब मोहम्मद इब्ने कुरैब हैं, ये दोनों भाई हैं और दोनों ज़ईफ़ हैं, मगर दोनों का ज़ौफ़ बराबर नहीं है, एक में कम ज़ौफ़ है एक में ज़्यादा है, तो एक दूसरे के मुकाबले में कुछ अच्छा हुआ, इसलिए फरमा रहे हैं इन दोनों में कौन राजे है। इमाम मौसूफ़ फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान दारमी से पूछा कि मेरे नज़दीक रिश्दीन बेहतर और राजे हैं, वहीं उन्होंने बताया जवाब में, इमाम दारमी से पूछा तो इमाम दारमी ने कहा कि मेरे नज़दीक तो रिश्दीन बेहतर और राजे हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने यही सवाल इमाम बुखारी से मालूम किया तो उन्होंने फरमाया मेरे नज़दीक मोहम्मद राजे हैं। अब दो मुहद्दिस का बाहम इख्तिलाफ हो गया। रिजाल की किताबों में अबू हातिम राजी ने भी वही बात कही है जो इमाम बुखारी ने कही है, इसलिए कि इमाम अबू हातिम राजी ने फरमाया युक्तवो अहादीसुहु वहुवा अहब्बु इलैय मिन अखीहि रिश्दीन, मोहम्मद इब्ने कुरैब की हदीसें लिखी जाने के काबिल हैं और वो मेरे नज़दीक अपने भाई रिश्दीन इब्ने कुरैब से अच्छा है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल क़ौलु इंदी मा क़ाल अबू मुहम्मद, मेरे नज़दीक पसंदीदा बात वो है जो अबू मुहम्मद अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान दारमी ने कही है। और उन्होंने क्या कहा था कि रिश्दीन अच्छे हैं, रिश्दीन बेहतर हैं, वही बात ये भी कहें रिश्दीन इब्न कुरैब अरजह व अकबर, का ये बड़े भी हैं और इनका मकाम भी बड़ा है और इन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को पाया है, उनकी ज़्यारत की है, हाँ दोनों भाई हैं और दोनों के पास मुनकर और ज़ईफ़ हदीसें रही हैं। ये दोनों भाइयों का सिर्फ तकाबुल बतलाना मकसूद था। अब अगला बाब मिलाइए जिस पर इस पर भी गुफ्तगू आप अभी सुन चुके हैं, बाब माजा फ़ी कराहियतिन नफ़ फ़ी शराब, पानी के प्याले में पीते वक्त फूंक ना मारे आदमी, फूंक मारना मकरूह है और उसकी इल्लत यह है कि बसा औकात फूंक मारते वक्त थूक वगैरह मशरूब में आ जाने का अंदेशा है जो घिन का बाइस होगा, और अभी बतलाया गया कि यह घिन तबई एक कमज़ोरी होने के साथ साथ एक शरई हुक्म भी है कि शरई एतबार से एक दर्जे में कमज़ोरी है, एक मासियत है कि आदमी ऐसी कोई हरकत करे जिससे उसके भाई को तकलीफ़ हो।
इसीलिए हदीस में देखिए फरमाया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बही काल हदसना अली इब्न खशरम काल हदसना ईस इब्न यूनुस अन मालिक इब्न अनस अन अय्यूब हुवा इब्न हबीब अन्नहु समिअ अबल मुसन्ना यज़कुर अन अबी सईद अल खुदरी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन नफ़ फ़िश शराब फ़क़ाल रजुल अल क़ज़ात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका मशरूब में फूंकने से, शराब से मुराद कोई भी पी जाने वाली चीज़ है, पानी की कोई क़ैद नहीं है। एक आदमी ने कहा अल क़ज़ात तो अराहा फिल इनाई कि मैं बर्तन में कभी कभी तिनका कोई इस तरह की लकड़ी वगैरह देखता हूँ। आपने फरमाया उसको बर्तन टेढ़ा करके गिरा दो, अहरिक हा। फ़काल फ़इन्नी ला अरवा मिन नफ्सिन वाहिदिन मिन नफ्सिन वाहिदिन काल फ़अबनिल क़द्ह इदन अन्फीका। उसने पूछा मैं एक सांस में सैराब नहीं होता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बर्तन मुँह से अलग करके दोबारा पी ले। फ़अबिन अल-क़द्ह, अबान युबीन इबानतन से अबिन है, जुदा कर दे तू, अबाना जुदा करना, जुदा कर दे तू प्याले को उस वक्त अपने मुँह से, अनफी का। तीसरा बाब जो है बाबू माजा फ़ी कराहियति तनफ़ुस फिल इनाई। उससे पहले आप इस बाब की दूसरी हदीस भी देख लीजिए। बेही काल हदसना इब्न अबी उमर काल हदसना सुफियान वन अब्दुल करीम अल-जज़री अन इक्रमतान इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युतनफ्फस फिल इनाए व युनफख फिस्सी फिस्सू औ युनफख फीह। इसमें भी बताया गया बर्तन में सांस न लिया जावे और उसमें फूंक न मारी जाए। हादा हदीसुन हसनुन सही। आगे है बाबो माजा फी कराहियति तनफ्फुस फिल इनाए। बर्तन में फूंक मारने की कराहियत का बयान। बही काल हदसना इसहाक इब्न मंसूर काल हदसना अब्दुस समद इब्न अब्दुल वारिस काल हदसना हिशाम अद-दस्तवाई अन यहया इब्न अबी कबी कसीर अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादत नबी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इदा शरिब अहदुकुम फ़ला यतनफ़्फ़स फ़िल इनाए हादा हदीसुन हसनुन सहीह। जब कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, इसमें सीधे सीधे ममानात सांस लेने की मनकूल है। जवाज की रिवायत और ये ममानात की रिवायत, इन तमाम पर एक जाई गुफ्तगु एक मरतबा असलन एक मरतबा ज़िमनन व इयादतन की जा चुकी है। ये चंद अबवाब थे जिनकी मुश्तरका गुफ्तगु आपके सामने आई। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ला तंसौ الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله।